आदि पुरुष मूवी कैसी होगी ये तो 16 जून को पता चलेगा, लेकिन मूवी पैसा छापेगी कि नहीं ये अभी से क्लियर हो गया है। किसी भी फिल्म को बनाने के पीछे सबसे बड़ा इंटेंशन जो होता है वो क्या होता है? बिजनेस, पैसा। अब आदि पुरुष के मेकर्स ने जिस तरीके से पैसा खर्च किया है इस फिल्म के अंदर, 700 करोड़ डाल दिए भाई, तो ये सवाल तो सबको ही रहा होगा कि एटलीस्ट 700 करोड़ तो निकल जाएंगे या नहीं। सुनो, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स तेलुगु स्टेट्स यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए आदि पुरुष के थिएट्रिकल राइट्स 170 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। और लास्ट ईयर ये न्यूज आई थी कि नेटफ्लिक्स ने आदि के सभी लैंग्वेजेस के राइट्स 250 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। अब थिएटर के अंदर आदि पुरुष तामिल, हिंदी, कनाडा और मलयालम में भी रिलीज होने वाली है, तो बाकी स्टेट्स के लिए वो राइट्स अलग से बिकेंगे। इनके अलावा म्यूजिक राइट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो है ही, प्लस इसमें भी ओवरसीज का हिसाब अलग। तो कुल मिला के फिल्म 700 करोड़ से ज्यादा तो छाप ही लेगी, ये पक्की बात है। और उसमें भी भाई ये फिल्म अगर जनता को थिएटर तक खींच लाने में सफल हो गए तो अकेला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही 700 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। मुझे अक्षय कुमार का एक डायलॉग याद आ रहा है, आप कमेंट करके बता देना।